नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं workervoice.in। आज हम बात करेंगे जो दिल्ली सरकार का न्यूनतम वेतन है उसके बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट सरकार गई है हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए, उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो आपसे गुजारिश करूँगा कि इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, अंत तक देखेंगे तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर क्लियर समझ में आएगा। तो उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें ताकि आपका नोटिफिकेशन इनेबल हो जाए और जब भी हम उस पर कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन उसका जाए। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। साथियों, आपको याद होगा 12/8/2018 को हमने एक वीडियो बना करके आपको जानकारी दी थी कि दिल्ली सरकार ने 2017 में जो 37% न्यूनतम वेतन बढ़ाया था हाई कोर्ट के फैसले के बाद उसको रिवर्ट करते हुए फिर से जो सैलरी था पहले जितना उतना ही कर दिया, ऐसा एक नोटिफिकेशन हमारे नज़र में आया था और आपको शेयर किया था। आप लोगों ने उसको काफ़ी लाइक और शेयर किया, जिसके बाद एक या दो दिन के बाद हमें ये जानकारी मिली कि सरकार उस फैसले को चैलेंज करने कोर्ट गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले तक या तो सरकार इंतज़ार कर रही थी कि हम वीडियो बनाएंगे और तब वो कोर्ट जाएगी, या फिर आप शेयर करेंगे उसके बाद सरकार की नींद खुली कि नहीं हमें कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो दिल्ली सरकार गई है उसके बारे में श्रम मंत्री श्री गोपाल राय जी क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। दिल्ली के अंदर लाखों मजदूरों और कर्मचारियों की जिंदगी में बेहतरी के लिए पिछले साल अप्रैल के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मिनिमम वेज में लगभग 4,000 रुपए की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद से बहुत सारे कर्मचारियों को, मजदूरों को 9,500 रुपए से बढ़ करके लगभग 14,000 रुपए प्रति महीने उनकी तनख्वाह मिलने लगी थी। यहाँ पे गोपाल राय जी ने कहा है कि दिल्ली सरकार में इसको हमने लागू किया, जबकि सच्चाई ये है कि उनका जो DTC विभाग है, क्लस्टर बस के जो ड्राइवर और कंडक्टर है, वो मार्च 2018 में हड़ताल पे गए थे, आपको शायद याद होगा। दिल्ली हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया था जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड में भी लिखा हुआ था, उसमें उन्होंने जो DTC के कमिश्नर है उसको समन किया था और मामला क्या था, न्यूनतम वेतन नहीं देने का। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, इसका कहीं कोई बेस नहीं है। ये तो आप एक सरकारी विभाग का मैंने बताया, प्राइवेट में तो मुझे लगता है 100% किसी को नहीं मिला न्यूनतम वेतन जो नया आपने लागू किया था, क्योंकि इसके बाद कोर्ट में जो मालिकों ने चैलेंज किया था और स्टे की बात हो गई थी, स्टे था नहीं लेकिन स्टे जैसा ही मिल गया था जिसके बाद कहीं लागू ही नहीं हुआ, दो चार आपके विभागों को छोड़ करके। इसके बाद उन्होंने आगे क्या कहा वो सुनिए। कुछ लोग इरादतन इसे रोकने के लिए, जिनका पता चल रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल रही है, हाई कोर्ट में जा करके उस पर रोक लगवाई गई। सरकार ने वादा किया था कि हम इसको मजबूती से खिलाफ लड़ेंगे, हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने अपनी SLP दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट से हमने निवेदन किया है कि दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जिन कर्मचारियों को, मजदूरों को 14,000 रुपए तनख्वाह मिल रही थी, इस फैसला आने से उनकी तनख्वाह दोबारा घट करके 9,500 रुपए हो गई। उनके जिंदगी में एक नए तरह का संकट पैदा हो गया है, पूरे अफरा तफरी का माहौल दिल्ली में बना हुआ है हर परिवारों में। तो सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका दाखिल करके ये निवेदन किया है कि जल्द से जल्द हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर रोक लगाया जाए, जिससे दिल्ली के मजदूरों के, दिल्ली के कर्मचारियों के जिंदगी में जो अरविंद केजरीवाल सरकार का जो मकसद है बेहतरी लाने का, उसे आगे बढ़ाया जा सके। तो इसी मकसद को लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। दोस्तों, आपने सुन लिया होगा यहाँ पे साहब ने कहा है
कि हम दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रोक लगाने की मांग करते हैं। एक तरफ तो आप ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली के मज़दूरों का वेतन 4,000 कम हो गया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो आपने सैलरी कम क्यों किया अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए जाना ही था? तो आपको याद होगा जब हाई कोर्ट का फैसला आया था तो उस समय सरकार ने दावा किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक दूसरा ही खेल शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज से 4 दिन पहले मैं जब बाहर निकला था गली में तो वहाँ पर देखा पोस्टर लगा हुआ है, और उसमें क्या लिखा है आप खुद से पढ़िए। उसमें लिखा है केजरीवाल सरकार ने सैलरी मज़दूरों का बढ़ाया और बीजेपी वालों ने कोर्ट जा कर के घटाया। तो ये आप हर गली में हर जगह चौराहे पे आपको मिल जाएगा इस तरह का, और इस तरह का एक तरह मतलब इस पर एक पॉलिटिक्स शुरू हो गया था, और इसे मज़दूरों का कहीं कोई लेना देना नहीं, मुझे नहीं लगता किसी मज़दूर संगठन का है। ये उस तरह का पोस्टर छपाने से अच्छा अगर वो मज़दूर के इतने ही हितैषी होते तो उनको तुरंत ही हाई कोर्ट जा कर के स्टे लेना चाहिए था, न कि पोस्टर लगा करके और बीजेपी और आम आदमी पार्टी करना चाहिए था। सबसे बड़ी बात है आप खुद कह रहे हैं जब बीजेपी सरकार ने कोर्ट जाके घटाया, इसका मतलब क्या? हमारा एक ही सवाल है कि आप बीजेपी सरकार से हार गए? ना तो मैं बीजेपी सरकार का पक्ष ले रहा हूँ और न ही आम आदमी पार्टी का टांग खींच रहा हूँ। मेरा बस एक ही सवाल पूछना है कि 26 अक्टूबर 2016 को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, तो आज 2 साल बीत गए, ना तो केजरीवाल सरकार ने और ना ही केंद्र की बीजेपी सरकार ने इस पे कोई सुनवाई की। लेकिन आज से 1 महीने पहले जब दिल्ली हाई कोर्ट ये कहती है कि जो न्यूनतम वेतन मात्र 13,000 जो बढ़ाया हुआ है वो असंवैधानिक है, बस फिर क्या था, तुरंत ही एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसको रिवर्ट बैक कर लिया जाता है। हम इस वीडियो के माध्यम से बस आपसे मांग करना चाहते हैं कि जो आपने 5/8/2018 का नोटिफिकेशन निकाला है जिसके तहत दिल्ली में काम करने वाले मज़दूरों का जो वेतन है वो फिर से जो पहले था 37% माइनस में जो किया है उसको सबसे पहले रद्द कीजिए। इलेक्शन आपके लिए भी है और इलेक्शन बीजेपी सरकार के लिए भी है, और जनता आपको भी देख रही है और जनता उनको भी देख रही है। समान काम समान वेतन का फैसला अभी तक कहीं भी लागू नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और आप हाई कोर्ट का फैसला आपने तुरंत लागू किया, ये हमने देखा। साथियों आपसे उम्मीद करूँगा इसको इतना शेयर कीजिए ताकि सरकार के पास पहुँचे। हमारा सरकार से यही गुजारिश है कि उस 5/8 वाले नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट में मज़दूरों का पक्ष अच्छी तरह से रखा जाए ताकि उनको न्याय मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँच सके। धन्यवाद।